दोस्तों आज इस वीडियो में जानने वाले हैं कि आप आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के फास्ट टैग में केवाईसी कैसे कर सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आपको आईडीएफसी फर्स्ट बैंक फास्ट टैग की वेबसाइट पर आना है। तो वेबसाइट पर आने के बाद दोस्तों आपको कुछ इस तरीके से इंटरफेस दिखेगा। यहाँ पर लॉगिन करने के दो मेथड है। तो दोस्तों मैं यहाँ पे मोबाइल नंबर भर के लॉगिन करूंगा, देन यहाँ इस वाले बॉक्स में आपको अपना मोबाइल नंबर भर लेना है। इसके बाद रिक्वेस्ट ओटीपी वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है, आपके मोबाइल पर एक ओटीपी आएगा, उसे यहाँ पे भर लेना है। इसके बाद आपको साइन इन वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। अब देखिए यहाँ पे एक एरर दे रहा है क्योंकि मैंने ऐप भी डाउनलोड कर रखी है और ऐप में भी मैंने लॉगिन कर रखा है, इसलिए ये एरर आ रहा है। बस यहाँ से आपको कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है और आप लॉगिन हो जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पर दोस्तों आपको केवाईसी अपडेट करने का ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ पे देखिए रेड कलर में लिखा हुआ है अपडेट केवाईसी, आपको इस पर क्लिक कर लेना है। यहाँ पे आपको अपना पैन कार्ड का नंबर भर लेना है। इसके बाद यहाँ से आपको सबमिट पे क्लिक कर देना है। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ आ गया है रिक्वेस्ट इनिशिएटेड। तो दोस्तों यहाँ पे क्या है, आपके मोबाइल पर एक एसएमएस आएगा और उसमें एक लिंक होगा, उसके थ्रू आपको अपना आधार कार्ड जो है इसके साथ में लिंक करना होगा। तो दोस्तों इस तरह आपके फोन पे एक एसएमएस आया होगा, इसमें दो लिंक है, तो ये जो फर्स्ट वाला लिंक है आपको इस पर क्लिक कर लेना है। देन ये लिंक जो है ये ओपन हो जाएगा, आपको इस वाले बॉक्स में अपना आधार नंबर भर लेना है। इसके बाद ये जो कैप्चा है इसे साइड वाले बॉक्स में भर लेना है। इसके बाद आपको नेक्स्ट कर देना है। देन आपके मोबाइल पर एक ओटीपी आएगा, उसे आपको यहाँ पे भर लेना है। इसके बाद आपको यहाँ से कंटिन्यू कर देना है। अब आपका डिजी लॉकर का जो पिन है उसे भी आपको यहाँ पे भरना होगा, तो यहाँ पे आपको अपने डिजी लॉकर का पिन भर लेना है। इसके बाद आपको कंटिन्यू कर देना है। इसके बाद दोस्तों कुछ इस तरीके से इंटरफेस आएगा, अभी यहाँ से अलाउ कर देना है, थोड़ा वेट करना है। और ये देखिए दोस्तों हमारा रिक्वेस्ट जो है वो सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है। और यहाँ पे देखिए दोस्तों हमारा केवाईसी भी अपडेट हो चुका है।